हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट डायनेमिक्स। हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे आर्य त्वरण और आर्य वेग। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण, कोणीय वेग को सबसे पहले हम निकालेंगे। कोणीय वेग होता है डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन अपॉन समय। इसका मतलब डेल्टा टी समय अंतराल में, एक अल्प समय अंतराल में जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। तो हमने किया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और कोणीय विस्थापन होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। आप इसे लिखते हो डी थीटा अपॉन डी टी और इसे प्रदर्शित किया जाता है ओमेगा से। कोणीय वेग को प्रदर्शित करते हैं हम ओमेगा से। उसके बाद सेकंड बात आती है कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका मतलब लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। हम लिखेंगे इसको लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डी ओमेगा अपॉन डेल टी। अच्छा, इसको ये लिमिट का मान, ये डेल्टा टी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल टी तो था, लिमिट का मान रखने पर ही आ गया अपने पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। और ओमेगा का मान रखना अपने डी अपॉन डी टी, ओमेगा का मान था अभी डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आप इसे लिखते हो एफ ओमेगा कोणीय त्वरण। तो ये थी कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे किसी कण के आर्य वे अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² + c होगा और उसके त्वरण के घटक 2λ² r² μ² θ² / r तथा λ μr θ² + 2μ² θ³ / r होंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास क्या, एक आपको आर्य वेग दिया, आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग दिया हुआ है। आर्य वेग आपको दे रखा है बराबर लैम्डा आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आर्य वेग का मतलब होता है आर डॉट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो डी आर अपॉन डी टी। इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग आपको दिया हुआ है म्यू थीटा स्क्वायर। अनुप्रस्थ वेग को लिखा जाता है आर थीटा डॉट बराबर, आर की जगह आर थीटा डॉट को आप लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी, जो किसके बराबर है लैम्डा सॉरी म्यू थीटा स्क्वायर, समीकरण नंबर आपने दी 2। अब समीकरण 1 और 2 में, 1 में 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 भाग दिया समीकरण 2 का। इससे हमें सबसे पहले निकालना है पथ का समीकरण, उसके बाद आगे सॉल्व करना है इसके त्वरण के घटक, ठीक है। पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में 2 का भाग दिया है डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर
डी थीटा अपॉन डी टी बराबर लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा ऊपर, डी आर अपॉन आर डी थीटा, लेमडा अपॉन म्यू जो है कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर। तो आपने डी थीटा को हम यहाँ भेज सकते हैं और आर स्क्वायर को यहाँ भेजा, तो यह आया डी आर अपॉन आर क्यूब बराबर लेमडा अपॉन म्यू कॉन्स्टेंट डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया आपने, डी आर अपॉन आर क्यूब बराबर लेमडा अपॉन म्यू जो है कांस्टेंट है डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो वन अपॉन आर वन अपॉन एक्स क्यूब का समाकलन होता है ये, अपन आर क्यूब को आप ऊपर लेके जाओगे तो आर की मा पावर माइनस थ्री डी आर, लेमडा अपॉन म्यू एज इट इज, थीटा की पावर माइनस टू डी थीटा। आर की पावर माइनस क्यूब का समाकलन होगा आर क्यूब माइनस सॉरी थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन, लेमडा अपॉन म्यू ये हो गया थीटा की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। इसको सोल्व किया आपने, आर की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू लेमडा अपॉन म्यू थीटा की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया आपके पास वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू वन अपॉन थीटा। आपको पथ का समीकरण लेके आना है, लेमडा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपको टू भी बचा हुआ है और इसको आपने सोल्व किया थोड़ा सा, ये म्यू को इधर लेके आएंगे तो म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर, और दोनों पक्षों का समाकलन किया आपने तो एक अचर सी भी आएगा। यहाँ पे बचाव के पास लैम्डा अपॉन थीटा प्लस सी, और इसको आप लिख सकते हो किस रूप में, आप लिखेंगे इसको लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर और माइनस सी, लैम्डा अपॉन थीटा म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो सी वन। यह है पथ का समीकरण। तो भाई ये आ गया आपके पास पथ का समीकरण। अब उसके बाद निकालना था आपको त्वरण के घटक, आपको निकालना है इसके त्वरण के घटक ये तथा योग यानी अर्य त्वरण एवं अनुप्रस्थ त्वरण। सबसे पहले निकालते हैं हम अर्य त्वरण, बात आती है अर्य त्वरण की। अर्य त्वरण जो होता है वो एफ आर से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चाहिए आर थीटा, आर डबल डॉट का मान और थीटा डॉट का मान। आर डबल डॉट का मान आपने आपने पढ़ा था, आर डॉट बराबर क्या होता है लेमडा आर स्क्वायर। अच्छा इसका एक बार और अवकलन करना है तो कैसे करेंगे अपन, आर डबल डॉट तो लेमडा टू आर और आर डॉट टू लेमडा आर, आर डॉट का मान वापस से मैंने क्या रख दिया लेमडा आर स्क्वायर, तो ये आर डबल डॉट का मान हमारे पास क्या आ गया टू लेमडा स्क्वायर आर क्यूब, इसका मान आ गया हमारे पास आर डबल डॉट का। उसके बाद चाहिए हमें थीटा डॉट का मान, आर डॉट थीटा डॉट बराबर आपको दिया हुआ था म्यू थीटा स्क्वायर, यहाँ से थीटा डॉट बराबर आपने निकाल लिया म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, दोनों मान हो गए, मान रखेंगे अपन समीकरण में। तो एफ आर बराबर आपके पास आएगा क्या, आर डबल डॉट की जगह आपने रखा टू लेमडा स्क्वायर आर क्यू माइनस आर
और थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का मतलब म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर, ये हो जाएगा आपके पास म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल हुआ तो ये, और ये त्वरण का घटक हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये तो आ गया हमारे पास किसका घटक, और ये त्वरण का घटक। उसके बाद निकालते हैं हम क्या, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण जो है एफ टी से डिनोट करते हैं। एफ टी का मान होता है हमारे पास आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर थीटा और थीटा डॉट। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें मान चाहिए थीटा डबल डॉट का। थीटा डबल डॉट का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमने पीछे पढ़ा था थीटा डॉट बराबर होता है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। इसका एक बार और अवकलन किया, इसका मतलब म्यू अपॉन आर तो कांस्टेंट हो गया, और इसके बाद थीटा स्क्वायर का आपने किया तो क्या हो जाएगा 2 थीटा और थीटा डॉट। उसके बाद थीटा स्क्वायर को आपने ऐसे कैसे रखा, म्यू भी एक कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर का होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे अपन कैसे, 2 म्यू थीटा और थीटा डॉट अपॉन आर प्लस, ये प्लस माइनस हो गया अंदर से, माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये थीटा डबल डॉट चल रहा है यहाँ पे, और थीटा डॉट का मान आपके पास था 2 म्यू थीटा अपॉन आर, ऐसे कैसे थीटा डॉट का मान है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर और माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। थीटा डबल डॉट बराबर हो गया आपके पास क्या, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वो पीछे अपना मान चल रहा था, यहाँ पे जब अपने अवकलन किया था 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, साथ साथ होगा आर का आर डॉट। आर डॉट का मान आपने क्वेश्चन में था क्या लैम्डा आर स्क्वायर, तो ये आपने लैम्डा आर स्क्वायर मान रखा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास बचेगा अब क्या, लैम्डा म्यू थीटा स्क्वायर। यहाँ पे अपने आर स्क्वायर लैम्डा आर स्क्वायर रख दिया, लैम्डा से कट गया लैम्डा म्यू थीटा स्क्वायर। ये मान आ गया किसका अपने पास, थीटा डबल डॉट का। थीटा डबल डॉट के बाद अपन रखेंगे किसमें, ऊपर अनुप्रस्थ त्वरण में एफ टी। एफ टी बराबर है अपने पास आर थीटा डबल डॉट 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस लैम्डा म्यू थीटा स्क्वायर प्लस 2 आर डॉट। आर डॉट का मान क्वेश्चन में दे रखा है आपको लैम्डा आर स्क्वायर, अच्छा, इनटू थीटा डॉट। थीटा डॉट का मान दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन। ये आर जो है इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर माइनस लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा यहाँ से ये आर से ये आर कैंसिल हुआ, अपने पास क्या बचा 2 लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर, 2 लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर और 1 लैम्डा म्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर प्लस लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, अनुप्रस्थ त्वरण।